लिए कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं। Hi everyone, I am Madhuri and welcome back. I hope you all are doing well. So guys, for today's video, मैं आपके साथ Foxtail के dewy sunscreen का review share करने वाली हूँ. Yeah guys, इसका comparison video मैं already share कर चुकी हूँ. So अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप check कर सकते हो, जिसमें मैंने matte sunscreen and dewy sunscreen में comparison video share करा था. आज मैं आपके साथ इसके dewy sunscreen का review share करने वाली हूँ, क्योंकि ये normal to dry skin वालों के लिए, तो मेरी dry skin है and summers में normal skin की तरह behave करती है. So आज मैं अपना experience भी आपके साथ share करूंगी and जिनको भी only dewy sunscreen के बारे में जानना था, इस वीडियो से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. सो गाइस, नाउ विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके गाइस, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी पैकेजिंग से. सो इसकी आउटर पैकेजिंग मेरी गुम हो चुकी है, क्योंकि इसको लिए हुए मुझे काफी टाइम हो गया है. मेरे पास काफी सारी सनस्क्रीन है, दैट्स व्हाई मैं बैक टू बैक अलग अलग सनस्क्रीन यूज करती हूँ, तो थोड़े बहुत रह ही जाते हैं. सो इसमें भी अभी बाकी बचा हुआ है. सो ये इसकी इनर पैकेजिंग है, दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक, कुछ इस तरह से है. ये इनका कवर अप ड्यूई सनस्क्रीन है. ये SPF 70 के साथ आता है, इसमें PA 4 टाइम्स प्लस है. एंड गाइस, आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग कितनी ज्यादा खराब है. इस पर जो भी लिखा हुआ है ये मिट जाता है, मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया हुआ. एंड गाइस, ये टैनिंग से प्रिवेंट करता है. इसमें नायसिनमाइड है, प्रो वाइटमिन B5 है, वाइटमिन ई है. 595 रुपीज का ये प्रोडक्ट है, जिसमें 50 ml प्रोडक्ट आपको मिल जाता है. इसका pH 6 to 6.5 है. ये वीगन है, क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. एंड ऑल्सो इसमें आपको 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ देखने को मिलती है. एंड गाइस, ये एक नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन है, विच मीन्स ये आपके पोर्स को भी क्लॉग नहीं करेगा. एंड आपको बाहर जाने से 30 मिनट्स पहले इसको अप्लाई करना होता है. ऑल्सो इसको आपको शेक करके यूज करना है. सबसे पहले आप इसको फ्लिप करें एंड इसके बाद शेक करके फिर पंप करके इसको यूज करें. नाउ इसके टेक्सचर की बात करें. सो गाइस, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से है. ये मैटिफाई सनस्क्रीन से थोड़ा सा रनी टेक्सचर में है. रनी टेक्सचर नहीं बोलेंगे, बट उससे थोड़ा सा लिक्विडी है. एंड इसको ब्लेंड करते हो आप जब, तो ये इजिली ब्लेंड हो जाता है, बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता. सो गाइस, अभी मैं अपने फेस पर 3 फिंगर्स रूल से इसको अप्लाई कर रही हूँ. ये बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता, आप देख सकते हो, काफी इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड ड्यू फिनिश भी देता है. इसको मैं नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ, बिल्कुल भी मैंने फेक लाइट यूज नहीं करी है. नेचुरल लाइट में ही ये वीडियो बन रहा है. सो आप देख सकते हो कितने इजीली ब्लेंड हो चुका है एंड ड्यू फिनिश भी ऐड करता है. इसमें आपको कोई मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. आप ओनली सनस्क्रीन लगाकर भी समर्स में रह सकते हो, क्योंकि ये काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है. एंड मेरी ड्राई स्किन है, तो मैं ओनली सनस्क्रीन लगाकर भी काम चला लेती हूँ. मॉइस्चराइजर की जरूरत मुझे नहीं पड़ती है. सो काफी ज्यादा हाइड्रेटिंग सनस्क्रीन है ये. ना मेरा क्या ओपिनियन है, तो मेरी ड्राई स्किन है, तो मेरी स्किन को ये काफी अच्छे से सूट करता है एंड मुझे इसको लगाना काफी पसंद भी है. जब भी मैं सनस्क्रीन को अप्लाई करती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा लाइट वेटेड लगता है ये. ना ये स्वेट प्रूफ नहीं है. अगर आप ऐसे वेदर में जहाँ पर काफी ज्यादा ह्यूमिड वेदर है एंड आपको स्वेट क्रिएट होता है, तो ये उतना ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. मतलब आपका ये रिमूव हो जाता है वाटर से भी एंड स्वेट से भी. सो ये स्वेट प्रूफ फॉर्मूला नहीं है. काफी ज्यादा लाइट वेटेड है, लगाने के बाद आपको फील भी नहीं होता कि आपने कोई सनस्क्रीन लगाया है. एंड बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता है. इवन मैंने अभी भी लगाया हुआ है, आप देख सकते हो, काफी ग्लो भी एड करता है स्किन पर. एंड मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन है, तो आपको अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है समर्स में. सो ओवरऑल मुझे ये सनस्क्रीन काफी अच्छा लगा है, मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रही हूँ. स्पेसिफिकली इन्होंने ड्राई स्किन वालों के लिए ही बनाया है, दैट्स व्हाई मुझे ये सनस्क्रीन काफी अच्छा लगा है. ये अफोर्डेबल भी है, क्योंकि फॉक्सटेल पर काफी अच्छे अच्छे ऑफर्स आते रहते हैं, आप देख लेना. ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, मैंने इसको खुद ही परचेज करा है. तो मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा था, इसलिए मैं इसका अलग से रिव्यू लेकर के आई. काफी सारे लोगों को कन्फ्यूजन भी था कि कौन सा ले कौन सा ना ले, तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा मैं अलग से ही वीडियो बना देती हूँ. सो गाइस, दैट्स ऑल इस प्रोडक्ट के लिए, मेरा यही रिव्यू था. आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा. अगर आप लोग के लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है, प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू गाइस. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.